सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुना तुमने? तुम्हें तो सुना ही नहीं दिया होगा, है ना? लेकिन मैं तब तक बोलती रहूंगी जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से सुनाई नहीं देता और तुम्हारे कान से पर्दे नहीं फट जाते। पागल हो गई हो तुम? कौन ऐसे बात करता है? हर वक्त एक ही रोना। अब समझ में आया? इसी वजह से मुझे तुम्हें फोन करने का मन नहीं करता है। तुम मत करो ना। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, जब तक तुम मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाओगे ना तब तक मैं बोलती रहूंगी। हर मैंने शादी तुम्हारे साथ रहने के लिए की है, तुम्हारे यहाँ रह के माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं। देखो दिव्या, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं ला सकता। अब रखो फोन, मेरा मूड मत खराब कर। दिवाकर, हेलो हेलो। तुमने फोन काट कर सही नहीं किया है दिवाकर। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मेंटो। भाई मेरे स्नीकर्स पता नहीं कहाँ गए। वो बेड के नीचे कमरे में रखी हुई। अच्छा भाभी, मेरी चेक शर्ट भी नहीं मिल रही है। वो मैंने इस्त्री करके अलमारी में रखती है। थैंक यू भाभी। अरे बहू, मेरी गठिया की दवाई तो खत्म हो गई। माँ जी, मैंने कब का मंगा दिया है, देखिए टेबल पे रखी हुई है। अरे बहू, तुम कितना ख्याल रखती हो हम सबका। माँ जी, ये तो फर्ज है मेरा। अरे बहू, इतना मत बिगाड़ो हमें। तुम चली जाओगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? अरे हम कोई जाने थोड़ी देंगे बहू को दिवाकर के पास। आ गए वहां से। बैठो बैठो। आ जाइए। ये माँ जी। हाँ, बढ़िया बना है। ये नाश्ता आपके लिए नहीं बनाया बहू ने, मेरा बेटा दिवाकर आने वाला है आज, उसके लिए बनाया है स्पेशल। भैया आने वाले? हाँ। क्या वो आ रहे हैं? लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे तो तुझे सरप्राइज देना चाह रहा होगा इसलिए नहीं बताया होगा। हाँ माँ जी, शायद आप ठीक कह रही। तो देख कौन आया। आप मिंटू, तुम बैठो, मैं देख कर आती। अरे दिवाकर, आ जा बेटा, आ जा। बहुत अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। प्रणाम भाभी। हां बेटा, आ जा बेटा, आ जा। प्रणाम भाभी। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। और चांद, कैसे चल रही थी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी भैया। चल शाम को मैं भी चलूंगा, ठीक है? अपना बैग दो भैया, मैं रख देता हूँ। हाँ, अरे बहुत थक गया। सॉरी सॉरी बेटा, हमने तेरा सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। कौन सा सरप्राइज? तू सरप्राइज देना चाह रहा होगा ना बहू को, तभी तो बिना बताए आ गया। माँ फिल्म ना थोड़ी कम देखा करो। वैसे कोई बात नहीं। अरे तुम्हें बताया क्यों नहीं इसको? बताने की कोशिश तो करी थी, लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में आती कहाँ है। कल मैंने इसको फोन करके सब कुछ समझाने की। अब आप सारी बातें यहीं कर लेंगे? चलिए ना अंदर बैठ के बात करते।
नींद आ रही है मुझे, थक गया हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम आने वाले हो? मैंने नहीं बताया। तुमसे बात करो तो ऐसे बात करती हो मन करता कि बस छोड़ो ना ये सब। मैं तुम्हें सच में बहुत मिस की। वैसे सच बताऊं तो मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किए। मेरा भी मन नहीं लगता वहां तुम्हारे बिना। सोचो ना, 3 साल हो गए हमारी शादी को और अब तक हम लोग 1 महीने के लिए भी साथ में नहीं रहे। इसलिए तो मैं कहती हूँ मुझे अपने साथ ले चलो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जाना चाहता हूँ? जानती हो मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी का गोडाउन जंगल के बिल्कुल बीच में है। इंसान से ज्यादा जानवर दिखते हैं वहाँ पर, कैसे रहोगी वहाँ पर? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, ना वहाँ पे अच्छे घर है ना फैसिलिटीज है, कैसे रहोगी? कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। देखो दिव्या, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस समय वहां पर तुम्हें नहीं लेके जा सकता। पर ये बात मैंने तुम्हें शादी के पहले बता दी थी ना, तो फिर तुम क्यों मुझसे जिद करती हो? अच्छा, शादी के समय तो तुमने ये भी बोला था तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे, लेकिन मेरी हालत नौकरानियों जैसी हो गई। ये देखा तुमने, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसी वजह से मैं तुम्हें बता के नहीं आना चाहता था। देखना दिवाकर, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। दिवाकर, दिवाकर! तो पछता ही नहीं है मेरे बाप। ये दिवाकर यहां क्यों सो रहा है? दिवाकर, दिवाकर, ए बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे तू यहाँ क्यों सो रहा है? अरे माँ, वो ऑफिस का काम करते करते यहीं पे नींद आ गई। अच्छा, अब तुम उठ ही गए हो तो मुझे जरा मंदिर तक ले चलो। जरूर चलता माँ, लेकिन मेरे को 9 बजे निकलना है। माँ कहाँ निकलना है? वापस देहरादून। तो तुमको 24 घंटे भी नहीं हुए, 7 दिन की छुट्टी लेके आए थे ना? हाँ माँ, पर वो एक अर्जेंट काम आया है, जाना पड़ेगा माँ। अरे ये क्या बात हुई? लेके वापस आ जाऊंगा। अच्छा अभी मैं निकलता हूँ माँ, नहाना है मुझे, लेट हो रहा है, प्लीज। सामान क्यों पैक कर रहे हो दिवाकर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सामान क्यों पैक कर रहे हो? दिवाकर बताओगे तुम कहाँ जा रहे हो, सामान क्यों पैक कर रहे हो? वापस जा रहा हूँ देहरादून। तुम कल ही तो आए थे, वापस क्यों जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नहीं हूँ, लेकिन यहाँ रहूंगा ना तो जरूर हो जाऊंगा। दिवाकर तुम मेरे बिना नहीं जा सकते, और अगर देहरादून जाना ही है ना तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं तुमसे बात कर रही हूं, मुझे अपने साथ लेकर चलो। दिवाकर प्लीज बंद करो, तुम सामान पैक करना बंद करो। मैंने बोला ना लेट हो रहा है मुझे, इस समय कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अच्छा तो मैं ड्रामा कर रही हूँ? दिवाकर प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे अपने साथ नहीं कर लेंगे ना तो मैं तो क्या करोगी? तो मैं अपनी नस काट लूंगी। मुझे अपने साथ लेकर चलो वरना मैं अपनी नस काट लूंगी। दिव्या तेज है ये, छोड़ो। नहीं छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। दिव्या नहीं, मैं नस काट लूंगी। दिव्या नहीं, मुझे साथ छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो चुका है? देखो इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हूँ मुझे। प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो ना, मेरा यहाँ 1 मिनट भी जी नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है दिवाकर, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो।
ये नहीं मानने वाली। जितना मना करूंगा ना उतना ही नाटक करेगी ये। एक काम करता हूं, लेके चला ही जाता हूं। 10 दिन रुकेगी ना वहां पर, अपने आप वापस आ जाएगी। अच्छा बाबा, अच्छा ले चलता हूं तुम्हें साथ में। आज तो नहीं निकल पाएंगे, सामान बांधने में टाइम लगेगा ना तुम्हें। काम करते हैं, 3-4 दिन में निकलते हैं, लेकिन उससे पहले माँ बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। क्या मतलब? अगर माँ बाबूजी नहीं बोलेंगे तो तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? माँ बाबूजी को बता के जाना पड़ेगा या ऐसी चल दे? तुम रहने दो, तुम सिर्फ शांत रहो, मैं बात कर लूंगा उनसे। बेटा कल तुम आए थे तो तुमने कहा था तुम 7 दिन की छुट्टी लेके आए हो, फिर सुबह तुमने कहा कि तुम अभी निकल रहे हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम 4 दिन के बाद निकलोगे। बेटा और कोई परेशानी है? अगर है तो बता दो। नहीं माँ, मैं सोच रहा था कि दिव्या को साथ में ले जाता हूँ इस बारी, अकेली रहती है यहाँ पर तो। अब देखो बेटा, ये तुम नई बात बता रहे, क्या चल रहा है? नहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही कुछ। देखो बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ही कह रहे थे कि वो जगह परिवार ले जाने लायक नहीं है, और वैसे भी तुम नई नौकरी ढूंढ रहे हो तो बाद में ही ले जाना। और तब तक मेरा आर्थराइटिस का ऑपरेशन भी हो जाएगा, फिर ले जाना। ठीक है। माँ माँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ले जाता हूँ उसको माँ साथ में, है ना? इसका बाद में देखेंगे माँ। अरे ठीक है बाबा, ले जाओ, बस जो तुम्हें अच्छा लगता करो। हमारे लिए कुछ रखा है? सब आपके लिए भी रखा। माँ जी, खाना तैयार है? बहू ला लो। अभी मैं आपको बहुत मिस करने वाला, आपको पता है? हाँ, क्यों नहीं, नौकर जाता है तो सब उसे ऐसे ही मिस कर। अरे मिंटू, तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हें कॉल करती रहूंगी। बहू ये ले, ले ले ले, रेडी रेडी है। अरे माँ आराम से, गिर गई ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है। भाभी तो जा रही भैया के साथ। अरे मेरे बच्चे जा रहे हैं और मैं शांति से कैसे बैठ जाऊं? आपका पता नहीं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में शांति ही शांति हो जाएगी। चलो देर से ही सही, पर मैं इस जेल से तो निकली। अरे बहू एक चीज और भूल गई, लारी ला। अरे आराम से। अरे लारी ला। ये देख करेले की सब्जी 4 दिन तक खराब नहीं हो गया। अरे बेटा ये भी रख। अरे रे रे, बरसात तो देना भूल ही गई। रुक जा रुक जा। अरे माँ आराम से, सामान सब पैक कर लिया? जी बाबू जी। कितनी बार बोला तब तू गाड़ी निकाल ले, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ माँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हाँ सब ठीक है, कुछ दिनों के लिए आराम के लिए बोला है, चलना फिरना बिल्कुल बंद। मतलब? मतलब इन्हें कुछ दिनों के लिए व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ेगा, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर इनका ऑपरेशन भी कराना पड़े। बेटा तुम दोनों तो जा रहे हो तो क्यों ना हम एक नर्स रख ले? पापा भैया के कहने पे बात की थी मैंने, 40,000 मांग रहे महीने का। ओ तो फिर एक मेड रख लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पापा, माँ को क्या मेड के भरोसे छोड़ के जाऊंगा मैं? बेटा फिर तो बस एक ही उपाय बचता है कि
बहू को कुछ दिन के लिए हमारे पास और रहने दो। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था। तुम मैनेज कर पाओगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं भी यही सोच रही थी कि माँ जी को छोड़कर इस हालत में कैसे जा सकते। करम अच्छे थे हमारे बहू, जो तुम्हारी जैसी बहू मिली। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा, आप सब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। एक इंसान को अपने घर गृहस्थी चलाने की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ जाती, लेकिन कभी कभी उसे ये लगने लगता है कि उसकी कुर्बानियों को कोई समझ ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। परिवार रिश्तों के भरोसे पर चलता है, और रिश्तों में सबसे अहम और नाजुक रिश्ता होता है पति पत्नी का। एक पति जब काम के सिलसिले में घर से कहीं दूर रहता हो और उसकी पत्नी अपने सास ससुर की देखरेख की खातिर अपने ससुराल में रहती हो, तो इन दूरियों की वजह से रिश्तों में कभी कभी तनाव पैदा हो जाता है। दिवाकर की विडंबना ये थी कि वो अपनी पत्नी दिव्या को अपने साथ वहां नहीं रख सकता था जहां वो काम करता था, और वहीं दिव्या को ये गलत फहमी हो गई थी कि उसका पति दिवाकर जानबूझकर उसे अपने साथ नहीं रख रहा। दिवाकर उसे समझाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन दिव्या को उसकी हर कोशिश बस एक बहाना ही लगती थी। अब ऐसे माहौल में देखना यह है कि क्या इनके बीच की एक कड़वाहट कभी दूर हो पाएगी, या इस बनते बिगड़ते रिश्ते का अंजाम कुछ और ही होगा। आइए देखते हैं। तुमने काम वाले भाई के लिए मना क्यों किया? नौकरानी माँ का ध्यान कैसे रख पाएगी? और नर्स? नर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जानती हो तुम। वाह, सही बात है, क्योंकि सबसे सस्ते में तो दिव्या ही आती है, मुफ्त की नौकरानी है ना। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहां पर सबके सामने क्यों नहीं बोलती? तुम यहाँ पर मुझसे आके क्यों लड़ती हो? देखिए दिवाकर, माँ बाप को समझाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, मेरी नहीं। और हमने डिसाइड किया था ना कि हम साथ में जाएंगे। सर, नो सर, वो थोड़ी मदर की तबीयत खराब हो गई थी इसी वजह से। नहीं सर, अब बिल्कुल ठीक है। श्योर सर, ज्वाइन कर लेता हूँ वापस। ठीक है सर, राइट सर। देखो दिवाकर, मैं आखिरी बार कह रही, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें मुझे लेकर साथ में जाना होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? मैं सच में कुछ कर लूंगी। देखो दिव्या, इस समय मैं बहुत टेंस हूँ, तुम्हें जो करना करो, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। दिवाकर बस। ठीक हो? हाँ। सुनी जी, ये मिट्टी तेल की गंध आ रही है ना कुछ? मिट्टी तेल तो गैरेज में है, वहीं से आ रही होगी। नहीं 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 नहीं, ये इधर कहीं से आ रही है, किचन से आ रही है शायद। चलो देखते हैं।
क्या कर रही है बहू? अरे जल जाएगी बहू। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना। छोड़ दे। नहीं माँ जी। भाभी शाम तुझे बाद में छोड़ दे। भाभी शाम तुझे बाद में बात करते ना, भाभी बैठ के। सिर्फ डरा रही है, कुछ नहीं करने वाली, तू इधर आ। भाभी चल, भाभी रखे नीचे, रखे नीचे। क्या कर रही है ये? अरे मगर ऐसा क्या हो गया जो ये सब कर रही है? बेटी बताओ ना, आखिर बात क्या है? ये बात आप अपने बेटे से पूछिए। दिवाकर तू बता क्या हो गया है, क्यों कह रही है बहू ऐसा? पापा नाटक कर रही है ये, हमेशा इसका यही रोना है। अच्छा, अरे इस बार हमें तो बताओ हुआ क्या है जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है? अरे बताएगा भी, ऐसा क्या कह दिया तूने कि बहू जान लेने पे तुली है? पापा कुछ भी नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है बस। अच्छा तो ये ऐसे ही अपनी जान देने पर तुली है? अरे ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है, हम किस्मत वाले जो इतनी अच्छी बहू मिली है, जो अपने सास ससुर का इतना ध्यान रखे, आज तक इस बिचारी ने चूर तक नहीं किया, जरूर तूने ही कुछ गलत किया होगा। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे एक बात बताइए, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती तो क्या उसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगी? अरे पागल हो गई है ये। बहू, भाभी, बहू, भाभी बात। अरे भाभी, बेटा तू ध्यान रखा कर उसका, इतनी झगड़े मत किया कर उससे, वैसे भी तो दो तीन दिन के लिए आता है, खुश रखा कर बेटा उसे। बाबूजी खुश रखता हूँ मैं, पता नहीं उसको क्या चाहिए मुझसे, अरे हर बात का उल्टा जवाब देती है, जब देखो गुस्सा सवार रहता है सर पे, दिमाग खराब कर रखा हुआ है मेरा। सुन बेटा, सब भ्रमे पहुंचे आप, किसी को मेरी नहीं पड़ी, पहले मरने की कोशिश करती है और फिर अच्छा बनने की भी, जाने मैंने क्या क्या नहीं किया, मरने की भी धमकी दी, लेकिन दिवाकर जी को तो मेरी पड़ी नहीं है, क्योंकि वो मेरे से प्यार ही नहीं करते, और ये सब की वजह ना मेरी वो सास है, मुसीबत की जड़ वही, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कितने सपने सजाए थे नहीं पूरा कर रहा, मैं तो कुछ समझती आ रहा, और दिवाकर जी को तो मेरी पड़ी नहीं, और ये सास भी ना बहू। बहू, हाँ कोई हो? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं माँ जी, मैं सब्जी काट रही थी। मुझे नहीं बताओगी क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बस वही पति पत्नी का झगड़ा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, माँ से भी कभी कोई कुछ छुपाता है? कहीं देहरादून जाने की बात को लेके तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिवाकर जी ने मुझे कुछ बोल दिया और उनकी बात को मैंने दिल पे ले लिया, और माँ जी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ कि दिवाकर कहाँ गया है? पता नहीं माँ जी, वो मुझे कुछ बता कर नहीं गया। शायद आ गया, मैं देखती हूँ। अभी आप रुको, मैं देखता हूँ। हाय मिंटू। अरे बुलबुल, तुम बड़े सरप्राइज। कैसे हो दीदी आप? मैं अच्छी हूँ। बुलबुल खुश रहो, खुश रहो बेटा। अच्छा किया बेटा तुम बुलबुल को लेके आ गए। माँ अभी कह रही थी ना कि दिव्या बहुत अकेला महसूस कर रही है, तो मुझे लगा बुलबुल को लेकर आता हूँ, थोड़ा घुल मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा फील करेगी। लेकिन बेटा
तुमने ये नहीं बताया कि तुम बुलबुल को लेने जा रहे हो? अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता है किसको क्या बताना है और किसको क्या नहीं बताना है। अच्छा माँ, मैं रेडी हो जाता हूँ, मुझे निकलना है आज। वो ऑफिस से अर्जेंट फोन आया था माँ, वापस बुलाया है, मैं रेडी हो जाता हूँ। अपना ध्यान रखना। जी बुलबुल, अब तुम आ गई हो ना, अपनी दीदी का ख्याल रख। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपनी दीदी का पूरा ख्याल रखूंगी। जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, घर पर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर जीजा जी मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर, वो एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा। ऊपर से अगर दीदी को पता चल गया मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो वो मम्मी पापा को ना बता दे। अगर पापा को पता चल गया तो मेरा तो घर से ही निकलना बंद हो जाएगा। बुलबुल उतना मत सोचो, किसी को कुछ पता नहीं चले। देखो सिर्फ 2-3 हफ्ते की बात, एक बार मम्मी ठीक हो गई ना, मैं यहाँ पर आऊंगा और दिव्या को लेकर चला जाऊंगा। रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, तो एक काम करता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ। ओके अब ठीक है? ओके थैंक्स अ लॉट। तुम सिर्फ यहाँ पे थोड़े दिन रहो, ठीक है? संग कोई भी दिक्कत होती है ना मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। ओके थैंक यू। किससे बात कर रही हो? नहीं किसी से नहीं। किसी से तो बात कर रही थी तुम? नहीं दी, किसी से बात नहीं कर रही थी। वो बॉयफ्रेंड से? नहीं वो दोस्त से बात कर रही थी। बुलबुल मैं तुम्हारी बहन हूँ और अगर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता सकते हो। आपसे क्या झूठ बोलना, मैं सच में दोस्त से बात कर रही थी। पक्का ना? मम्मी कसम। तो फिर मेरे आते ही तुमने फोन क्यों छिपाया? इसी से तो तुम बात कर रही। आइसक्रीम भाभी? आइसक्रीम लाया था मैं सबके लिए। सबके लिए? लेकिन यहाँ तो 3 लोग हैं और तुमने तो बस 2 ही आइसक्रीम लेकर आए। अब भाभी एक आपके लिए और एक बुलबुल के लिए। और तुम? मैं बाद में खा लूंगा। बाद में क्यों? एक मैं खाती हूँ और एक मैं, तुम दोनों खा लो। भाभी आप भाभी पक्का एक ही में खा लें? इतनी बार खाए, तुमसे ऐसी हरकतें नहीं करनी है यार। मुझे कोई और पसंद है। आइसक्रीम ही लेके आया था बस। एक काम करो, तुम खुद खा लो ये आइसक्रीम, अब निकलो यहाँ से। ठीक है खुद ही खा लेता। अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं नहीं तुम समझो मेरी बात, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं तुम सुनो मेरे को, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे क्यों ऐसे बात कर रहे हो? हाँ चलो बाय। फोन बिजी आ रहा है, इसका मतलब दिवाकर बुलबुल से बात कर रहा था। अरे हेलो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि काम के समय फोन मत करा करो, समझ नहीं आती है? इसलिए उसे अचानक लेकर आए। ये तो कौन सा पति अपनी पत्नी को बिना बताए साले को लेकर आता है? और इसीलिए ना वो मुझे अपने साथ रखना भी नहीं चाहता। क्यों रखेगा? दिव्या तुम तो बहुत गलत हुए, बहुत गलत। मैं उसे ना सब जाके बता दूंगी, सब जाके बता दूंगी। नहीं दिव्या तू ऐसा नहीं कर सकती। अगर तू भी उसे जाके बताएगी ना तो वो पक्का खेल जाएगा। इन दोनों को तुझे रंगे हाथ पकड़ना होगा। हाँ दिव्या
हाँ हाँ जीजा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस ये बताओ आप यहाँ कब आ रहे हो? अरे तुम बोलो तो अभी आ जाता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी तो मेरे बुलाने पर तो तुम आओगे नहीं, और जब बुलबुल बुलाए तब तो तुम आ ही जाओगे, है ना? दिव्या, तुम जिया साली के बीच क्या चल रहा है? दिव्या आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं दिव्या, दीदी कल तक तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, अभी अचानक से कहाँ से आ गया? नहीं दीदी, नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात समझो। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना? हाँ, मैं आपको सच बोल रही हूँ, अगर तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है तो मम्मी पापा से बोल के मैं तुम्हारी शादी फिक्स करा देती हूँ। अरे दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनो। तब गड़बड़ कर दिया दिव्या ने, मुझे लगा था बहन आएगी, जी बहल जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, पागल को बात कुछ समझ में आती नहीं। जब देखो, हेलो, दिवाकर बोल रहा है। हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं राकेश। बुलबुल का बॉयफ्रेंड? हाँ राकेश बोलो। अबे तुझे समझाए थे ना कि बुलबुल को अच्छे से रखना। देखो राकेश यार, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पर, यार मेरी बीवी ना थोड़ी पागल है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा। बुलबुल पर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ देता हूँ मैं। अबे सुन, जल्दी से बुलबुल को उसके घर भेज, नहीं तो साले तेरे घर में घुस करके तुम सबकी कब्र खोद दूंगा मैं। नहीं नहीं राकेश, राकेश सुनो, तुम्हें समझा? यार सबसे पहले इस बुलबुल को घर छोड़ना पड़े, सब कुछ इतना उलझता जा रहा है। दिव्या को लेकर दिवाकर की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि दिवाकर और बुलबुल के बीच नाजायज संबंध पनप रहा है, और इस बात को लेकर उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। उसे ये लगने लगा था कि दिवाकर उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए उसके लाख चाहने पर भी वो उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा। क्या दिव्या कभी सच जान पाएगी, या फिर ये गलत फहमियां घर के माहौल को बद से बदतर बना देंगे? आइए देखते हैं। कब समझोगी तुम? अरे बहन है वो तुम्हारी, और तुम मुझे उसको लेकर ही, अकल है या नहीं है तुम्हें? तुम मुझे बताओ, तुमने उस पे हाथ क्यों उठाया? मैंने अपने आप के साथ इतना कुछ किया लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने बुलबुल पे हाथ क्यों उठा दिया? तुम दौड़े चले आए, तुम्हें मुझे जरा से भी कदर नहीं है ना? मेरे पास ना फालतू की बातों का टाइम नहीं है, मुझे बताओ तुमने उस पे हाथ क्यों उठाया है? तुम उससे प्यार नहीं करते ना? नहीं करते ना, नहीं करते ना। दिव्या, तुम प्यार नहीं करते ना? दिव्या, दिव्या पागलपन है, तो रोक के दिखाओ मुझे, रोक के दिखाओ। दिव्या, दिव्या क्या कर रही हो ये? क्या? बस समझ में आ गया तुम ये क्यों कर रही हो? तुम सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना चाहती हो, बस मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दे। पिताजी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये लड़की एक नंबर की ड्रामेबाज है। पर हमें तो ऐसा नहीं लगता। माँ, ये आपके सामने ना अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने इसका असली रूप देखा है। मुझे साथ में ले चलो, साथ में ले चलो, एक ही रट लगा के रखती है ये। देखो बेटा, अब हमारी उम्र हो चली है, ये बात सच है कि हमें अपनी देखरेख के लिए कोई मददगार चाहिए, पर हमने बहू को जानबूझ करके यहाँ रोक के रखा है ऐसा तो नहीं है। पर अगर उसे जाने अनजाने ऐसा लगता है तो देखो बेटा, औरतों को थोड़ा ज्यादा प्यार और इज्जत की जरूरत होती है। बाबूजी मुझे बताइए मैं और क्या करूं? बेटा मेरी मानो तो उसे अपने साथ ले जाओ, प्यार और केयर से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है मां, ले जाता हूं उसे साथ में। भैया भैया, न्यूज देखी आपने? क्या हुआ? कल से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में, मतलब घर से बाहर कल से कोई नहीं निकल सकता। क्या इसका मतलब? मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। और दिव्या? माँ उसको कैसे लेके जाऊंगा,
घर में कुछ सामान नहीं है, मैं तो मेस में भी मैनेज कर लूंगा, उसका क्या होगा? बाद में लेके जाऊंगा उसको। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, दिव्या को बहुत तकलीफ होगी वहां, तुम एक काम करो तुम उसे बाद में लेके जाना, लेकिन सुनो उसे प्रॉमिस करके जाना ऐसा। जी तुम बुलबुल को अपने साथ लेकर जा रहे हो, मुझे नहीं। दिव्या क्यों शक करती हो इतना, मैं बुलबुल को सिर्फ तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो प्लीज उसे लड़ा मत करो, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ना, मैं पक्का आऊंगा तुम्हें लेने, प्रॉमिस। एक और बहाना, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते, और ये बात मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। समझ चुकी हो ना, तो जाऊं मैं? दिवाकर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, सच में मैं इस बार कुछ ना कुछ कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे। दो साल से सुन रहा हूं तुम्हारी ये खोखली धमकियां, आज तक तो कुछ किया नहीं, कर लूंगी। दिवाकर दिवाकर देख ले दिव्या, वो बुलबुल से प्यार करता है, तुझसे नहीं, उसके लिए उसके माँ बाप इंपॉर्टेंट है, तू नहीं। आजकल उसकी हरकतें इतनी बढ़ती जा रही, इतना गुस्सा करती है, हर बात पे मुझसे लड़ती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। वो हमेशा से ऐसी थी, पर इतना नहीं था सब। बुलबुल के सब बताने के बाद मैंने उसे बोला यहां आने के लिए, पर वो नहीं मानी। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है दिव्या, पर जरा उसके बारे में तो सोचिए कि वो ऐसे कैसे हो गई। भला कौन पत्नी अपने पति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दीदी मेरा बहुत गुस्सा भर गया है, और मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही समझा सकते हो, नहीं तो। सही कह रहे हैं आप लोग, शायद मैं ही ढंग से चीजों को हैंडल नहीं कर पा, हमेशा सिर्फ अपने ही नजरिए से सोचता रहा, कभी नहीं सोचा कि उसको कैसा लग रहा हो। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जी चलता हूँ, नमस्ते।
हेलो, मैं इंस्पेक्टर रतन सिंह बोल रहा हूँ। आप दिवाकर बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ। What? बॉडी कमरे में। बॉडी? सर हमने सैंपल्स ले लिए हैं, अभी तो यही लग रहा है कि सूप में मिलाए हुए पॉइजन खाने के वजह से सबकी डेथ हुई है। ये दिव्या के पास से मिला है, कल रिपोर्ट आने के बाद मैं बाकी अपडेट देता हूँ। ओके। दिवाकर जी, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। देखने में हत्या और फिर आत्महत्या लग रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ है रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। सारे सैंपल फॉरेंसिक में भेज दो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए। यस सर। दिवाकर जी, कुछ पता चला? जी हाँ, ऑटोप्सी और फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो गया है कि जो जहर की शीशी दिव्या के हाथ में मिली थी वही जहर आपके पेरेंट्स, भाई और पत्नी की बॉडी में मिला है, और खाने के बाउल में भी वही जहर था। एक बात बताइए, क्या सास और बहू में झगड़े हुआ करते थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स दिव्या को बहुत पसंद करते थे, दिव्या भी उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो इस तरह का कुछ। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि दिव्या ने इतना बड़ा कदम उठाया? बहुत गुस्सा आता था इसे, ये हमेशा से मेरे साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मैं किसी न किसी कारण की वजह से इसे अपने साथ नहीं ले जा पाया। इसी बात से चिढ़ गई थी मुझसे, हर बात पे गुस्सा करती थी, कभी आत्महत्या करने की कोशिश करती थी, कभी अपना हाथ काट लेती थी। इसीलिए एक दिन मैं जाके बुलबुल को लेकर आ गया, मुझे लगा इसके आने के बाद में वो थोड़ा अच्छा महसूस करेगी, घुल मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वो हम दोनों को लेकर शक करने लगी। सब कुछ इतना बिगड़ गया था, जब तक मैं संभाल पाता सब कुछ इतना बिगड़ गया, सब कुछ इतना। इंस्पेक्टर साहब, दामद जी सही कहे, समय के साथ मेरी बेटी बहुत अजीब सी होती जा रही थी। गुस्सैल और आत्महत्या की बातें तो पहले भी क्या करती थी, और अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। ठीक है, हम चलते हैं, आप लोग इनका ख्याल रखिए। क्रोध और चिंता चिता का द्वार होता है, और दिव्या के साथ भी यही हुआ। उसकी हर रोज की चिंता और क्रोध ने उससे ये जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर दिया। दिव्या अकेली हो गई थी, उसे जीवन में जो प्यार चाहिए था
पति के साथ रहने का जो सुख चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा था और उसके अकेलेपन ने उसके हाथों ये सब करा दी। लेकिन ये कदम उठाना कहां तक सही था? तीन हत्याएं और फिर आत्महत्या। यहां सवाल ये उठता है कि क्या जो हुआ उसे टाला नहीं जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था अगर सही समय पर दिवाकर ने दिव्या को संभाल लिया होता तो आज उसका पूरा परिवार उसके साथ होता। इस अपराध में दिवाकर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि दिव्या, क्योंकि दिवाकर ने दिव्या की बेचैनी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं। दिव्या को जिस प्यार की जरूरत थी वो प्यार दिवाकर ने दिव्या को कभी दिया ही नहीं। दोस्तों हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने आसपास देखें कि अगर कोई इस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो, अकेलेपन और चिंता का शिकार हो रहा हो, तो आप उसकी सहायता करें और अगर जरूरत हो तो उसे मनोचिकित्सक को दिखाएं ताकि फिर कोई परिवार ना उजड़ जाए, क्योंकि रिश्ते बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से नहीं। रिश्तों को समझदारी और स्नेह से संजोने की सलाह देते हुए अब मैं गिरीश जैन प्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।